કચ્છના મુંદ્રા તાલુકાના સમાઘોગા ગામ પાસે આવેલ જિંદાલ કંપની દ્વારા 73મા પ્રજાસત્તાક દિનની ધ્વજવંદન કરી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, જેમાં જિંદાલ ઇસ્પાઇપ કંપનીના સિનિયર વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ ડોક્ટર જયદેવ ચંદેલે ધ્વજ ફરકાવી ઉજવણી કરી હતી. સમગ્ર ભારતભરમાં પ્રજાસત્તાક દિનની ભાવભેર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ગુજરાતમાં અનેક જગ્યાએ પ્રજાસત્તાક દિનની ઉજવણી કરવામાં આવતી હોય છે, ત્યારે મુંદ્રા તાલુકાના સમાઘોગા ગામ પાસે આવેલ જિંદાલ કંપની દ્વારા પણ પ્રજાસત્તાક દિને ધ્વજવંદન કરી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. જિંદાલ કંપનીમાં દર વર્ષે ઉજવણી કરવામાં આવે છે. ખાસ કરીને કોરોનાની મહામારીને ધ્યાનમાં લઈ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ રાખી માસ્ક પહેરીને ધ્વજવંદન કરવામાં આવ્યો હતો. This is like a festival. We are celebrating it every year. But due to this pandemic, since last 2 years, we are celebrating it with the same खुशी के साथ. जो cultural program हम पहले करते थे, school के बच्चे करते थे, डांस के जो parade होती थी, due to pandemic हम नहीं कर पाए. But इस दौरान हमने फिर से जो इंडस्ट्री है इसको इसकी जो पेस है उसको रीगेन कर लिया है. एंड हम उम्मीद करते हैं कि ये हम आगे बढ़ते रहेंगे. थैंक यू. आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई. और जैसा कि आज हम लोग देख रहे हैं कि जो परिस्थिति है देश में, उसमें से हम लोग बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक हमने इस पैंडेमिक के ऊपर काबू पाया है. और आपने देखा होगा कि हर साल जिस तरह का हमारा कार्यक्रम होता था, इस साल हम लोग नहीं कर पा रहे हैं पिछले साल की तरह ही. और बट हमें पूरी उम्मीद है कि अगले साल से हम लोग फिर अपने पूरे जोश व उत्साह के साथ ये गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम मनाएंगे. और जहाँ तक हमारे कारखाने का सवाल है, आज हम लोग पूरे जोर शोर से अपने प्रोडक्शन लेवल्स अचीव कर रहे हैं. और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से हमारे सभी साथियों ने, इंक्लूडिंग की मेडिकल टीम, हमारे वर्कर भाई, सभी लोगों ने मिल के जो स्थिति का सामना किया, पैंडेमिक का सामना किया, वो बहुत ही काबिले तारीफ है. उसी के कारण आज हम लोग इस स्थिति में हैं कि हम लोग अपना प्लान पूरी तरह से चला रहे हैं. और हमें और ये भी उम्मीद है कि अब ये कुछ दिन की ही बात है और हम लोग अपने सब नॉर्मल लाइफस्टाइल में आ जाएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद. देखिए सर, प्रथम तो मैं देश के हर एक वासी को और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को हमारे 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ. और मुझे ही नहीं बल्कि आज के दिन हमारे देश के हर एक नागरिक को एक गर्व का प्रतीत होता है, क्योंकि ये जो महान राष्ट्र है, आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इसकी गिनती की जाती है. कहा जाता है कि हमने अपने जो भी पार्लियामेंट्री नॉर्म्स अडॉप्ट किए हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से अडॉप्ट किए हैं, लेकिन हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसकी रचना एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने की थी, जिसके जो मुखिया थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे. और न जाने कितने भारत माँ के सपूतों ने अपने असीम त्याग के बाद हमें ये स्वतंत्रता दिलाई. और उसके बाद 1950 में हम गणतंत्र बने. गणतंत्र का अर्थ ही ये होता है कि देश का हर एक नागरिक ये अधिकार रखता है कि वो अपने राज्य को, अपने राजा को चुनने का. और मैं चाहता हूँ कि हमारी जो आज की जनरेशन है वो भी इसी तरह राष्ट्रभक्त की भावना से ओतप्रोत रहे, ताकि हमारा राष्ट्र हर दिशा में, हर क्षेत्र में सर्वोत्तम हो. एक बार फिर हम दुनिया में जो हमारी पहले के ज़माने में सुप्रीमेसी थी, वो हम सुप्रीमेसी फिर स्थापित करें, चाहे वो खेलों की दुनिया हो, विज्ञान की दुनिया हो, मेडिसिन की दुनिया हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन की दुनिया हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो. हम सब में पीक पर रहें, सर्वोत्तम रहें और हम आगे उन्नति करते रहें, प्रगति करते रहें. जैसे कि अभी पिछले 2 साल लोगों ने कहा कि कोरोना के चलते अभी हम अपने समारोह को बहुत सीमित तरीके से प्रतिपादित करते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगले साल सब कुछ ठीक रहेगा और हम एक बार फिर से बढ़ चढ़ करके अपने गणतंत्र दिवस को मनाएंगे, सभी लोगों के साथ मनाएंगे. अभी तो हम बहुत कम लोगों को बुलाते हैं, अगली बार हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे और सभी कर्मचारी हमारे साथ उपस्थित होंगे और जोर शोर से इसको मनाएंगे.
एक बार फिर आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। जय जोशी, लाइव गुजरात न्यूज, मुंद्रा।